समझो अभी, हाँ अच्छे से समझो, मैं क्या बता रहा था कि कोई, मैं आपके एक एक डाउट क्लियर करते जाता हूँ। पता है आपको सबको कहाँ पे दिक्कत आती है, कोई मेटल है ना तो वो दिखाते एग्जामिनर, एमसी अगर ऐसा लिख दिया उसने और मिथाइल लिख दिया तो इसका मतलब होता है मिथाइल साइनाइड, इसका मतलब होता है मिथाइल साइनाइड, और इस पे कोई चार्ज नहीं होता। हाँ बच्चों, और यहाँ से डोनेशन होता है कार्बन के थ्रू। लेकिन बच्चों अगर मिथाइल की जगह पे वो एनसी लिख दे और मिथाइल लिख दे ना, तो याद रखना, याद रखना यहाँ से डोनेशन होगा और इसको बोलेंगे हम, वेरी गुड, आइसो साइनाइड। तो भाई अभी क्लियर है सबको? और ये कॉम्प्लेक्स है ना भाई, बड़ा दिख रहा है ना बल्कि सा, आपको समझ में आ रहा है थोड़ा सा बड़ा है, तो ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स ही है। तो ये वाली चीजें मैं साथ साथ बताते जा रहा हूँ, ठीक है ना? ये हमारा कॉम्प्लेक्स लिगैंड है। जब आप नीट या जो भी सीईटी का एग्जाम देंगे तो ऑप्शन में आपको समझ में आ जाएगा कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब आप खुद बताओ इसका क्या नेम आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। एफी सीएन, इसको थोड़ा सीएन लिख दो या एनसी लिख दो, चलो सीएन लिख देता हूँ, सीएन CH3 बच्चों, और उसके बाद 6 टाइम, और उसके बाद आएगा Cl2। बताओ पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आएंगे वो बताओ। ये तो न्यूट्रल है, ये सारे न्यूट्रल है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन कितना आएगा जल्दी बताओ, मैसेज करो सब। ये बीच लिगेंड तो सब न्यूट्रल है, लिगेंड तो न्यूट्रल है, तो हाँ तो लिगेंड न्यूट्रल है, तो देखो इसको ब्रेक करो ना भाई, ब्रेक करना कौन भूल जाते, इस पे आएगा सर +2 और इस पे आएगा माइनस, ये दो है ना तो -2, तो आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आएगी बोलो, +2 आएगी। अगर लिगेंड सारे न्यूट्रल हो तो जो चार्ज आएगा वही होगी ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रेक करने के बाद। तो आप बोलोगे अब नेमिंग बताओ जल्दी से, मैसेज करो। नेमिंग बताओ जल्दी से, ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया मैंने, एक मिनट रुक जाओ, वेट, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा ये कर दिया मैंने, घोल कर दिया। रुक जाओ, CH3CN, देखो हाँ ये बात मुझे बतानी थी, मैंने वहां पे थोड़ा लिगेंड्स को ही पकड़ लिया। इसको हम बोलेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये सबको पता है, इसको हम बोलेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड होगा एक, ये देखो यहाँ पे देखो, अभी ज्यादा क्लियर कर देता हूँ, वहां पे थोड़ा सा मैंने उल्टा बता दिया, और इसको बोलेंगे हम मिथाइल साइनाइड। समझ में आ रहा है सबको, ये बात समझ में आई, इतना बताओ पहले, मिथाइल साइनाइड। देखो जल्दबाजी में कुछ चीजें हो जाती है लेकिन आप समझा करो भाई, क्लियर है? मिथाइल साइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनाइड क्लियर होगा पहले वो बताओ। अब मुझे बताओ ये ऊपर वाला, ये मिथाइल के बाद कौन आता है, नाइट्रोजन आता है या फिर कार्बन आता है? मिथाइल के बाद कौन आता है बोलो, मिथाइल के बाद कौन आता है बचाओ, नाइट्रोजन आता है या कार्बन आता है बताओ जल्दी, नाइट्रोजन आता है, तो बोलो ऊपर वाला आइसोसाइनाइड या साइनाइड है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर इट इज आइसो साइनाइड। समझ में आया अभी? अगर ऐसा लिख दे तो मतलब मैं यहां से बता रहा हूं, आपको रटने की जरूरत नहीं कि सर सीएन या एनसी लिख दे, आप सिर्फ देखो मिथाइल के बाद अगर नाइट्रोजन आता है तो आइसोसाइनाइड, हाँ मिथाइल के बाद अगर नाइट्रोजन आता है तो आइसोसाइनाइड बोलेंगे सर, वो ऐसे दिखाएंगे, और मिथाइल के बाद अगर कार्बन आया, मिथाइल के बाद अगर कार्बन आया यहाँ पे तो बोलेंगे साइनाइड। अब आप नेमिंग करो, मैं बता देता हूँ अभी, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, बहुत गंदा कर दिया मैंने, देखो एफी सीएन CH3 6 टाइम, ये Cl2, तो आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 आ जाएंगी, ठीक है? अब देखो मैं नेमिंग बताता हूँ, ये सर कॉम्प्लेक्स है, तो आप बोलोगे सर हेक्सा हेक्सा, सही जा रहा हूँ ना मैं, पता नहीं अभी हो जाता है, हेक्सा किस बोलो, मिथाइल क्या आएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्योंकि मिथाइल के बाद आता है आपका नाइट्रोजन, तो आइसोसाइनाइड, इसीलिए बहुत बच्चे गलती कर देते। आयरन यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉर्मल आयरन है क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक है, आयरन +2, और आखिरी में क्या आएगा जल्दी बताओ, क्लोराइड, बोलो क्लियर है सबको, बताओ मैसेज करके। और अगर वो गलती से ऐसा दे देता, अगर वो CH3CN दे देता, तो आप गलती से, देखो आपका गलती सबसे होती है देखो, और गलती क्या हो जाती है, आप इसको देख के पढ़ देते सर ये तो आइसोसाइनाइड है, लेकिन नहीं भाई ये तो साइनाइड है। अब समझ में आया, दिस इज योर मिथाइल साइनाइड,
दिस इज योर मिथाइल साइनाइड एंड दिस इज योर मिथाइल आइसोसाइनाइड, जब वो लिगेंड की तरह काम करेगा तो लिखने का तरीका भी बदल जाएगा। हो गया सबको क्लियर? मैसेज करो जल्दी से, मैसेज करके बताओ कि सर क्लियर है। अब आप बताओ CN6Cl3। अब बताओ साइनाइड पे कौन सा चार्ज होता है? आप बोलोगे सर HCN पढ़ा था हमने, तो सर H प्लस और CN माइनस, तो साइनाइड पे चार्ज होता है माइनस वन। ये बात क्लियर कर दो, साइनाइड पे चार्ज माइनस वन होता है, पढ़ा रखा है मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। इट इज एक्ट एज अ लिगेंड। तो अब बताओ ये माइनस, देखो यहां से आएगा सर सिक्स, इसको एक्स मान लो, एक्स प्लस सिक्स इंटू माइनस वन इज इक्वल टू, इस पे कितना आएगा बोलो, प्लस थ्री और इस पे माइनस थ्री, तो ओवरऑल चार्ज आया प्लस थ्री। तो देखो माइनस सिक्स उधर जाने के बाद क्या आएगा, प्लस थ्री, नहीं सॉरी इसको मैंने यहाँ पे इसको हटा देता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सुनना, इतने ऑक्सीजन यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस थ्री, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर में इस कॉम्प्लेक्स को रहने दो, हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे एनायनिक पार्ट में पढ़ेंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अभी तक क्या कैटायनिक वाली नेमिंग आपको समझ में आई? मैं थोड़ा आसान एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, जो आपको हो जाएगा। ये वाला बताओ कोबाल्ट, ये वाला बताओ एच, इसको थोड़ा रहने देता हूँ, नेक्स्ट इसमें आ जाएगा वो। वाटर दो बार है और NH3 चार बार है, और इसके ऊपर मैं बोल देता हूँ Cl2। तो आप बोलोगे सर इसके ऊपर यहाँ पे तीन लिख देते हो सर, प्लस थ्री और सर माइनस थ्री, क्योंकि तीन है ना सर। तो बोलो नेम क्या आएगा बच्चों, मैसेज करो अभी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता दो कितनी होगी, मैसेज करो जल्दी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। सबसे पहली बात सर सब न्यूट्रल लिगेंड है, तो अगर सारे न्यूट्रल लिगेंड है तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर आएगी वही होगी आपकी मेटल की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर है। नेम बता दो, नेमिंग करो, एक्वा और अमीन। अब मजा आएगा भाई, अब मजा आएगा, एक्वा बोलो अभी किसको लिखू सर, बोलो एक्वा और अमीन में से किसको लिखू, बताओ जल्दी एक्वा और अमीन में से किसको लिखू, अमीन को लिखना, ठीक है बच्चों याद रखना अमीन को लिखो, क्योंकि एम एम भी देखो ना सर, ए तो कटे तो एम, ए तो कटे तो एम और क्यू में से सबसे पहले कौन आता है, एम आता, तो इसीलिए आप अमीन को सबसे पहले लिखोगे, ठीक है। बाय मत रे, डाई 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 लिखो, डाई, ओके डाई एक्वा, हाँ ऐसे लिखो, देखो मैं कैसे लिखता हूं, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन डाई एको, एको या फिर एक्वा, एको इज प्रॉपर वर्ड है, ठीक है, ए क्यू या फिर एक्वा भी आप लिख सकते हो, एक्वा एक्वा लिख दो, हाँ ठीक है, एक्वा ए लिख दो, डाई एक्वा कोबाल्ट प्लस थ्री और आखिरी में आ जाएगा आपका क्लोराइड। बोलो बच्चों क्लियर है सबको? देखो आपको समझ में आए, लिगेंड्स अगर पता नहीं हो तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने नहीं आएंगे, ठीक है ना। अब हम एनायनिक की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एनायनिक में एक दो एग्जांपल ले लेता हूं, एनायनिक के एग्जांपल ले लेता, चलो एग्जांपल नंबर फर्स्ट की तरफ चलते, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना बच्चों। देखो मैं पढ़ाता हूं, मान लो मेरे पास ये वाला है K2, ये बता दो N3 फोर टाइम्स। अरे सर क्या ही एग्जांपल लिया आपने सर, मजा आ गया, दिमाग घूम रहा है सर, ऐसा कौन सा मतलब कैसे अभी कैसे पढ़े इनको। तो भाई पहली बात, जो कैटायनिक पार्ट है वो ये वाला होगा, ठीक है ना। सो 2K+ और एनायन पे कितना चार्ज आएगा, 2-, तो इस पे 2- आएगा भाई, क्लियर है क्या? सबसे पहली बात बताओ जल्दी, क्लियर है सबसे पहली बात? तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सबसे पहले हम लिखेंगे पोटेशियम, जो कैटायन है उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो मैंने पहले बोला था पोटेशियम, चाहे दोनों में से कोई भी कैटायन हो उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद लिगेंड्स आएंगे। बोलो कब, बोलो लिगेंड्स का नाम भाई, जो बताएगा ना मैं मान जाऊंगा, बहुत अच्छे से मेहनत की उसने, लिगेंड का नाम बताए, अजाइड, अरे अजाइड होता है क्या ये, चलो अच्छा अजाइड, अच्छा अच्छा सोचो, देखने दे अपने सही से, हाँ अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, आप समझा, मैंने लिखा था N3 को हम बोलेंगे अजाइडो, इसको अजाइडो बोलेंगे, अगर एक नाइट्रोजन रहा हो तो उस पे माइनस थ्री चार्ज, सर ये नाइट्राइड है, ये नाइट्राइडो है और ये अजाइडो है, समझ में आया, बोलो जल्दी, अरे समझ में आया सबको,
इसको हम बोलेंगे, सुनो इसको हम बोलेंगे, हाँ टेट्रा अजाइड हो, वेरी गुड, टेट्रा, टेट्रा चार बार है, अजाइडो, टेट्रा अजाइडो, कोबाल्ट बोले या कोबाल्टेट बोले, जल्दी बताओ, कोबाल्टेट बोलेंगे सर, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स एनआईनी के, भाई समझ में आ रहा है अभी कोबाल्टेट क्यों लिखा, बोलो जल्दी, कोबाल्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आप खुद बताओ कितनी आनी चाहिए, कॉमन सेंस से बता दो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, कॉमन सेंस से बता दो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आनी चाहिए थी। दही अजाइड पे पता है आपको कितना चार्ज होता है, भाई क्लियरली बताया था, अजाइड पे चार्ज होता है -1, अजाइड पे चार्ज कितना होता है बच्चों, कितना होता है बताओ, -1 होता है, ठीक है ना, तो कितना आएगा देखो अभी, चेक करके बताओ, -4 उधर जाने के बाद कितना आएगा, -4, हाँ आ गए ना क्लियर, अभी देखो इस पे होता है -1 चार्ज, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ, कोबाल्टेट लिखने दो और ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 लिख देता हूँ, अभी इसको निकालने की मैं निकाल के बताता हूँ, ठीक है, बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते, मैं बताता हूँ सुनो, इसलिए मैं हमेशा एक ही चीज बोल रहा था कि आप लिगेंड पे फोकस करो, बहुत मजा आएगा बाद में, और जिन्होंने जिन्होंने लिगेंड की उसको देखो, N3 पे होता है -4, N3 माइनस, तो इसको एक्स मान लो, हाँ ओके इसको एक्स मान लो, वेरी गुड, इस पे एक्स आएगा प्लस, सर -1 × 4 = -2, कॉम्प्लेक्स पे -2 है, तो ये आ जाएगा आपका -4, उधर जाने के बाद +4, तो आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा प्लस, तो ये बन गया आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट, हो गया क्लियर, बताओ जल्दी, हो गया क्लियर, जल्दी बताओ, मैसेज करके बताओ, ये एग्जाम्पल सबको क्लियर है, अब ये वाला आप खुद बता दो, थोड़ा सा मुझे खुश कर दो भाई, थोड़ा सा आप खुश कर दो, खुश कर दो, देखते हैं आप खुश करते या नहीं, बस ईडीटी है, मतलब समझ लो कोबाल्ट और ईडीटी है कॉम्प्लेक्स है, बताओ जल्दी नेम बता दो भाई, देखो ये +1 आएगा सर और इस पे आएगा सर -1, अरे ईडीटीए पे कितना होता है बच्चों, ईडीटीए पे होता है सर -4, आ गया याद, कुछ याद आ रहा है आपको, मैसेज करो भाई, याद आ रहा है सबको, ईडीटीए पे होता है सर -4, सर -4 उधर जाने के बाद, -4 उधर जाने के +4 -1 कितना, +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 आएगी, वो तो आप निकाल लोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 आएंगे, वो तो आप निकाल लोगे, ठीक है ना बच्चों, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 आ गई, अब नेमिंग कर दो, बताओ नेम बताओ क्या आएगा, मैसेज करो, थोड़ा टाइप करने में तकलीफ होगी लेकिन होने दो, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ होने दो, पोटेशियम, बराबर है, बराबर है, पोटेशियम, वेरी गुड, इथाइलिन, डायमिन, इसको बोलते हैं इथिलिन, डायमिन, टेट्रा एसिटी, टेट्रा एसिटेटो, ओके ये इंपॉर्टेंट है, एसिटेटो आना चाहिए, ठीक है ना, मैं बताया आपको, पोटेशियम, इथिलीन, डायमिन, टेट्रा एसिटी, टेट्रा एसिटेटो, ठीक है ना, उसके बाद आप बोलोगे कोबाल्टेट, क्योंकि एनआईनी के सर, कोबाल्टेट एनआईनी के सर, तो कोबाल्टेट, और आगे लिख देना सर +3, भाई मजा आया सबको, मैसेज करके बताओ जल्दी, नेमिंग समझ में आ रही है सबको, हाँ या ना, क्लियर हो रहा है, लेकिन जब मैं ये वाला दे दूं ना आपको होमवर्क, ये वाले होमवर्क दे दूं ना तब आएगा मजा, होमवर्क ये वाले दे दूं ना तब आएगा मजा, होमवर्क नंबर 1, CH3 4 times N2, भाई इसको किस तरह से देखे, देखो एक बात समझ लो मेरी, इसको अच्छे से समझो, इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं मैं, NH4+, ये कभी देखा है आपने बच्चों, NH4+ सुना होगा ना, इसको अमोनियम बोलते हैं, इसको बोलते हैं अमोनियम, इस पे होता है प्लस चार्ज, मान लो इस पे होता है प्लस, हाँ इस पे होता है प्लस, और इसके सामने में लिख दू बच्चों, इसके सामने में लिख दू वेनेडियम OCl4, अब देखना, अब ये ऑक्सीजन क्या है सर, अब बताओ ये ऑक्सीजन कौन सा होता है आपका, कौन सा होगा आपका, ये आपका ऑक्जो होगा, ऑक्साइड वाला होगा, याद आ रहा है सबको, ये O2- होगा, ऑक्जो होगा, समझ में आ रहा है सबको,
टेट्रा क्लोरो ऑक्सो, समझ में आया सबको अभी, वेनेडियम वेनेडिएट, और इस पे आएगा सर माइनस चार्ज। यहाँ पे मैं इसको इसको हटा के इस तरह से लिख देता हूँ एन एच फोर, तो इसका मतलब समझ में आया आपको, एन एच फोर प्लस और इस पे आएगा माइनस चार्ज, समझ में आया सबको ये वाला कॉम्प्लेक्स। इसकी नेमिंग आप कर दोगे जल्दी बताओ मैसेज करके, होमवर्क। सबसे पहले आपको लिखना है अमोनियम, अमोनियम टेट्रा क्लोरो ऑक्सो वेनेडिएट, वेनेडिएट, ये वाला आपका होमवर्क नंबर वन। अब मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बताता हूँ, सुन लो। दूसरा होमवर्क क्या है आपको इसी के रिलेटेड, ये आप मैंने यहाँ के हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए सी एच थ्री ग्रुप से, तो क्या बनेगा यन सी एच थ्री फोर टाइम्स, इसको मैं लिख दूंगा, ये भी तो आपका प्लस ही आएगा। अरे भाई समझ में आया क्वालिटी ऑफ दिस क्वेश्चन, चार हाइड्रोजन मैंने चार मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस किए भाई, बाकी कुछ नहीं किया। इसका नाम आ जाएगा बच्चों, इसका नाम आ जाएगा आपका टेट्रा टेट्रा मिथाइल अमोनियम, इसका नाम देखना। ये तो ऊपर वाला अमोनियम है, ऊपर वाला था अमोनियम है, ये तो अमोनियम आयन है, लेकिन ये बन जाएगा आपका टेट्रा मिथा टेट्रा मिथाइल अमोनियम, और ब्रैकेट के अंदर वी ओ सी एल फोर माइनस। आप इसकी नेमिंग कर दोगे अभी बताओ जल्दी, दोनों की नेमिंग कर दोगे पूरी बड़ी वाली, हाँ या ना मैसेज करके बताओ मुझे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ तुम्हें डराने के लिए, यहाँ पे ब्रैकेट डाल के दो लिख देता हूँ, तो भाई इसको डाई बोल देना, इसको 20-20 मत लगा देना, क्योंकि सर ये बाहर वाली चीज है, यहाँ पे 20 वाली कंसेप्ट मत लगा देना सर, 20-30 ये वहां पे, क्योंकि ये सर दिस इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स, दिस इज कैटाइनिक पार्ट, ठीक है ना। जैसे के प्लस होता है ना बच्चों, एन ए प्लस होता है ना, तो उसी तरह से ये काम करता है, तो यहाँ पे कोई भी डाई ट्राई लगाने की कोशिश मत कर देना, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ दो लिख दू तीन लिख दू तो यहाँ पे डाई वगैरह मत लगा देना, समझ में आया आपको, मैं दो लिखू या तीन लिखू आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इन दो का कोई मीनिंग नहीं। बच्चों क्लियर हो रहा है सबको, मैसेज करो जल्दी से, आपको सिर्फ टेट्रा मिथाइल अमोनियम लिखना है, चाहे मैं इधर दो लिखू या तीन लिख दू फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा, वेन इट इज चार्ज, आप निकाल के देखो, हाँ हाँ चार्ज बदलेगा, लेकिन हाँ चार्ज बदलेगा, वेरी गुड, यहाँ पे प्लस टू चार्ज आएगा फिर, तो यहाँ पे माइनस टू आ जाएगा। अगर मैंने दो लिखा तो चार्ज बदलेगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। अरे देखो ना, जैसे के प्लस बदला तो एक माइनस आएगा, दो के प्लस दो माइनस, इसको भी के प्लस की तरह देखो, इस चीज को भी आप किसकी तरह देखो बच्चों, के प्लस की तरह देखो। बोलो अभी क्लियर है सबको, एन एच फोर प्लस और एन सी एच थ्री फोर प्लस, इन दोनों का क्लियर है आपको, इनको आप कैटाइन की तरह देखो, दोनों को सेम देखो आप, जैसे के प्लस को देखते हैं ना उसी तरह इन दोनों को देखो, तो आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इन दोनों को इसी तरह देखो जिस तरह आप पोटेशियम को देखते थे, तो यहाँ पे बाहर ब्रैकेट में आप चार लिख दो या बाहर ब्रैकेट में आप दो लिख दो, इनको डाई वगैरह मत लगा देना, इनको डाई वगैरह मत लगा देना, ठीक है बच्चों। हो गया सबको अभी क्लियर, बोलो जल्दी इन दोनों की नेमिंग आप ढूंढ लोगे अच्छे से, मुझे सेंड कर देना स्क्रीनशॉट, इन दोनों की नेमिंग की अच्छे से देख लेना और मुझे सेंड कर देना स्क्रीनशॉट। आखिरी वाला एग्जाम्पल, आखिरी वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये वाला होमवर्क है आपको, मैं बता रहा हूँ ये भी होमवर्क है। एनायनिक वाले ले रहा हूँ, एनायनिक वाले पीटी सी एल टू एच एच पता है ना बच्चों, एच अरे हाँ ये सी एस थ्री, आप सी एस थ्री पे देखो भाई, आपको पता है ना यार, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। एच सी एल में से एक हाइड्रोजन निकाला आपके पास, बना सी एल माइनस, मीथेन में से एक मीथेन जो सी एच फोर होता है आपका मीथेन, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या बना, सी एच थ्री माइनस बना, तो यही तो बात है ना, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, और हाइड्राइड पे भी आपको पता है माइनस चार्ज आता है भाई, क्लियर है, बताओ जल्दी बताओ, क्लियर है सबको मैं क्या बता रहा हूँ। ये वाला आप सॉल्व करना, इसको हाइड्रिडो बोलेंगे, लिगेंड्स पढ़ा रखे है मैंने, इसको हाइड्रिडो बोलेंगे, इसको मिथाइल बोलेंगे, बच्चों क्लियर है, बच्चों क्लियर है जल्दी बताओ, इसको मिथाइल बोलेंगे, इस पे भी माइनस वन चार्ज, मैं बता देता हूँ, इस पे भी माइनस वन चार्ज आएगा, इस पे भी माइनस वन चार्ज आएगा, और मैं ओवरऑल चार्ज ले देता हूँ माइनस टू, तो प्लेटिनेट आएगा, प्लेटिनियम है भाई पीटी, पता नहीं क्या है वो, इतना प्लेटिनियम है वो, ठीक है अच्छा देखो प्लेटिनियम है, माइनस टू चार्ज आएगा, तो इसकी नेमिंग आपको करनी है, के टू लिख देता हूँ आगे, देखो मैं बता देता हूँ, पोटेशियम डाइक्लोरो मिथाइल
हाइड्रिडो, समझ में आ रहा है ना, एच पहले आता है, एम आता है, एच आता है ना, तो डाइक्लोरो, डाइक्लोर देखो पोटेशियम पहले आएगा, पोटेशियम उसके बाद क्लोरो, डाइक्लोरो हाइड्रिडो मिथाइल प्लेटिनेट प्लस टू निकाल देना, ठीक है भाई। बताओ नेमिंग में किसी को कुछ दिक्कत अभी तक जो पढ़ाया वहां पे, किसी को कुछ दिक्कत मैसेज करके बताओ कि सर समझ में आया नेमिंग का, मैसेज करके बताओ नेमिंग की बातें समझ में आई, किस पे कितना चार्ज आएगा, बोलो जल्दी, मैसेज करो हाँ या ना। बहुत अच्छे, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं भेज दूंगा एनसीईआरटी के। अभी देखो अभी तो मेन पार्ट बाकी है नेमिंग का, जहां पे बच्चे को कुछ नहीं आता, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि इतने में नेमिंग सफिशियंट है तो नहीं, अब हम पढ़ेंगे अगर नेमिंग में ब्रीजिंग आ जाए, बहुत बच्चों को यहाँ पे बहुत डाउट आता है, NH3 ये 5 बार है, उसके बाद CrO क्रोमियम NH3 5 बार, अभी यहाँ पे मजा आएगा, मतलब आपको समझ में आ रहा है अभी ब्रीजिंग आने वाली है, मतलब डिफिकल्टी लेवल तो कुछ नहीं बढ़ेगा लेकिन हाँ थोड़ा मजा आने वाला है आपको। ब्रीजिंग के वक्त सर नेमिंग कैसे करें, चलो नेमिंग भी ठीक है, अरे सर ब्रीजिंग के वक्त ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाले, तो ये वाली चीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर को, ठीक है सबको बाय बाय। और इससे इंपॉर्टेंट तो नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत खतरनाक चीज है, इस तरह के कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे हम, PtCl, Cl4 और दूसरे ब्रैकेट में PtCl2, इस तरह के भी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे हम, इनकी भी नेमिंग पढ़ेंगे, इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे, तो कल मिलते हैं।